तो गाइस अगर आपको ब्लॉगर में प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है जो कि वर्डप्रेस साइट्स जैसे दिखती हो, तो आपको अच्छे जो है टेम्पलेट्स यूज करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो टेम्पलेट बताऊंगा भाई बिल्कुल प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है। कोई भी बंदा अगर विजिट करेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लॉगर साइट है बोल के। वर्डप्रेस साइट्स जैसे दिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं जो है, अच्छा इंटरेक्टिव जो है इसमें CSS आते हैं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस इट्स मी मचू यार, बैक विद इंटरेस्टिंग वीडियो। यार कैसे हो सब लोग? जैसे आप सोचते हैं मैं वेबसाइट डिजाइनिंग SEO एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो, तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे चैनल में जरूर चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको 5 बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग में, एक प्रोफेशनल लुक्स ला सकते हो, इसके साथ साथ SEO फ्रेंडली रहेंगे, सभी साइट फास्ट लोडिंग रहेंगे। एंड इन टेम्पलेट को यूज करने से भाई आपको वर्डप्रेस साइट्स जैसे लुक्स आएंगे, आपका जो साइट होगा वर्डप्रेस लेवल का आपका बन जाएगा। टेक ब्लॉग के लिए कौन सा टेम्पलेट है, मैगजीन के लिए कौन सा टेम्पलेट है, नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए कौन सा टेम्पलेट है, सभी टेम्पलेट्स मैंने कलर करके रखे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। सो वेलकम बैक टू माई PC गाइस। तो देख लो PC में आ गए एंड यहाँ पे देखो क्रोम टैब में बहुत सारे टेम्पलेट्स खुले हुए हैं अलग अलग नीचेस के ऊपर। मैं आपको जो है मैगजीन वाले टेम्पलेट्स भी बताऊंगा, देन जो है आपको न्यूज़ वेबसाइट बना उसके ऊपर भी बताऊंगा, फोटोग्राफी वेबसाइट उसके ऊपर भी टेम्पलेट बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छे से, इतना भाई पता चल जाएगा आपको। एंड इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री डाउनलोड लिंक तो नहीं देख सकता भाई, क्योंकि देखो फ्री डाउनलोड लिंक्स देने से वीडियो बैंड हो जाता है, वीडियो में इश्यूज आते हैं। तो मैं जो है नॉर्मल जो है डेमो लिंक्स दे दूंगा, आप उसके नेम कॉपी करके आप उसको सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, या फिर ओरिजिनल साइट से भी खरीद सकते हो। ओके, सभी कुछ लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पहला जो टेम्पलेट है वो है ब्लिंजी नाम का, देख सकते हो ब्लिंजी इसका नाम है। एंड ये एक ब्लॉग पोस्ट, टेक्नोलॉजी ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना है, टेक्नोलॉजी ब्लॉग साइट बनाना है, तो बहुत अच्छा टेम्पलेट है, बहुत जबरदस्त लुक्स के साथ आएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। आप ऊपर से कोई बंदा अगर यूजर आएगा देखेगा, इसको लगेगा ये वर्डप्रेस साइट है, प्रोफेशनल दिखता है पूरा। देखो आपके सामने ही बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट दिखेंगे, अलग अलग तरीके के मेन्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, मेगा मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन, सभी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये जो ब्लॉग पोस्ट का लेआउट देखो, इसके जो है कर्व्स देखो, इमेजेस पे कैसे कर्व्स आ रखे हैं, CSS बहुत अच्छा काम किया गया है इसमें, बहुत अच्छा लुक्स यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर कोई पोस्ट को आप ओपन करो, जैसे ये ब्राउजर को मैं ओपन करता हूँ, तो बहुत फटाक से खुल जाएगा क्योंकि लोडिंग स्पीड इसमें जबरदस्त है। ये जो है ब्लॉगर टेम्पलेट टेम्पलेटिफाई के द्वारा बनाएगा। टेम्पलेटिफाई आपको पता होगा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जो है टेम्पलेट्स बनाते हैं, बहुत प्रीमियम लेवल के टेम्पलेट्स बनाते हैं। एंड ये जो टेम्पलेट है ना बहुत अच्छा है ब्लॉग पोस्ट के लिए, टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेक्शन जो हमारा होम सेक्शन है, होम पेज का सेक्शन है, बहुत बड़ा आपको मिलेगा। नीचे आप स्क्रोल करते जाओ अलग अलग तरीके से आपको पोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे साइड बार देखो, साइड बार में टैक्स, कैटेगरीज, मेन टैक्स, यहाँ पे सभी कुछ मिल रखा है। मेन टैक्स में मान लो हम एप्पल पे क्लिक करते हैं तो एप्पल के रिलेटेड सभी कुछ पोस्ट आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे फॉलोअर्स का भी बटन है, कोई पोस्ट को ओपन करो यहाँ पे पोस्ट का भी देखो साइड बार सेम रहता है, साइड बार सही रहता है, यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट दिखता है, देन इसके ऊपर जो है फॉलोअर्स वगैरह का रहता है। एंड मेन चीज जो ब्लॉगर टेम्पलेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज भाई हमारा अर्निंग के लिए होता है, एड स्पेस। यहाँ पे एड स्पेस देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा एड स्पेस है ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो है एड स्पेस है, यहाँ पे आप सभी जगह पे एड लगा पाओगे। एड स्पेस बहुत सारे हैं, आप जहाँ पे चाहो वहाँ एड लगा सकते हो। एंड एड लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आपका अर्निंग नहीं होगा तो आप वेबसाइट चलाओगे कैसे, वेबसाइट मेंटेन कैसे करोगे, अर्निंग ही मेन मोटिव है राइट। तो यहाँ पे आपका अर्निंग के लिए बहुत ख्याल रखा गया है, आपको सभी जगह पे होम पेज पे भी यहाँ पे एड स्लॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप एड लगा सकते हो। आप ब्लॉगर जो है एडसेंस के एड लगाओ, इजीली लग जाएगा, इजीली जो है वहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट को क्लिक करो, मैंने स्पोर्ट का स्पीड भी दिखा दिया, बहुत जबरदस्त लोडिंग स्पीड के साथ आता है। एंड टेम्पलेट का लुक देखो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी मोबाइल रिव्यूज, टैबलेट रिव्यूज, PC रिव्यूज उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना है ना, ये टेम्पलेट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है। इसका नाम है ब्लिंजी, ब्लिंजी BLINZZ ओके, इसका नाम है ब्लिंजी बाय टेम्पलेटिफाई ब्लॉग टेम्पलेट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट करो, डेमो पेज मैंने दिखा रखा है। ओके, देन जो हमारा सेकंड ब्लॉगर टेम्पलेट है ना वो SEO ऑप्टिमाइज टेम्पलेट है। अगर आपको गूगल सर्च में रैंक करना है भाई, टॉप पर रैंक करना है, ये ब्लॉगर टेम्पलेट यूज करो, आप इजीली रैंक कर जाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। देखो इसका नाम है SEO नेक्स्ट, इसका नाम है ही SEO है तो कितना ऑप्टिमाइज होगा आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे इसके फीचर्स आते हैं, जैसे डार्क मोड, वर्ड वाइटल, स्पीड्स, RTL सभी कुछ सपोर्ट करता है ये। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे डिफॉल्ट रहता है, एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन रहता है, देन कलर वाला, सिंपल वाला, सभी कुछ मोड्स आते हैं। ये जो है बेसिकली बहुत प्रोफेशनल लुक्स के साथ साथ बहुत जो है आपको एडवांस SEO फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम नीचे चले जाओगे, SEO स्कोर इसका देखो 97 स्कोर करता है PC पे, इसके साथ साथ AA सभी कुछ SEO ऑप्टिमाइज्ड। ओके, यहाँ पे मैं आपको इसका जो है टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे पहले जो है
टेम्पलेट देख लेते होंगे। डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट सी डेमो पे क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट कैसा दिखता है देखते हैं। देखो एसईओ नेक्स्ट आ गया। यहाँ पे मेन्यू इस तरह का रहता है, मेन्यू पे आपको मेगा मेन्यू, फीचर मेन्यू, टाइपोग्राफी सभी कुछ सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डे नाइट डार्क नाइट है, यहाँ पे आप डे नाइट डार्क नाइट में इजिली स्विच कर सकते हो। यूजर्स के लिए अच्छा रहता है ये, आप जब आपके यूजर्स रात में कोई आपका वेबसाइट विजिट करेगा तो वहाँ पे वो डार्क मोड चाहता है राइट, तो इसीलिए डार्क मोड डे नाइट मोड बहुत मस्त फीचर्स है। एंड यहाँ पे देखो इसका जो है लोडिंग एनिमेशन कैसे आ रहा है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे तो देखो एक तो लोडिंग एनिमेशन आ रहा है, इसको लेजी लोड बोलते हैं। इससे एसईओ ऑप्टिमाइज होता है, बहुत अच्छा खासा आपका जो है एसईओ रैंकिंग आता है। ओके, अब किसी भी पोस्ट के ऊपर जाओ होवर इफेक्ट आता है, देखो पोस्ट के ऊपर जाओ होवर इफेक्ट आता है, तो बहुत एक तरह इसका सीएसएस भी बहुत अच्छा खासा है, इसके साथ साथ ये एसईओ ऑप्टिमाइज भी है, तो बहुत एक अच्छा जो है आपको टेम्पलेट मैं बताऊंगा एसईओ के ऊपर। ओके, किसी भी पोस्ट क्लिक करो तो देखो क्लिक करते साथ ही ये खुल जाएगा, बहुत फास्ट लोडिंग स्पीड है मैंने जैसे बताया था। एंड इमेज में लेजी लोड लगा रखा है, लेजी लोड से ये होता है कि यहाँ पे जो आपका इमेज है बाद में लोड होता है, जिससे यूजर्स इरिटेट नहीं होते, आपको ब्लैंक स्पेस शो नहीं होता, आपका पेस्ट पेज में पहले जो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, इमेज उसके बाद शो होगा। इससे एसईओ में इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका एसईओ रैंकिंग में इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ आप बड़े बड़े इमेज, ज्यादा इमेज भी डाल सकते हो अपने ब्लॉग में। पोस्ट पेज की बात करें तो इस तरह का पोस्ट पेज का लेआउट रहता है, देखो ऊपर एक मेन्यू मिल जाता है हमको, देन यहाँ पे साइड बार, देखो साइड बार इस तरह का रहता है, यहाँ पे जो पॉपुलर पोस्ट गैजेट सब कुछ डाल सकते हो, इसके साथ साथ एड स्लॉट्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड सिंपल टाइपोग्राफी आप वगैरह टाइपोग्राफी ये सब आप टाइपोग्राफी सेक्शन में चेंज भी कर सकते हो, अगर इस तरीके का टाइपोग्राफी को पसंद नहीं आता तो। देन यहाँ पे व्हाट्सएप, ट्विटर, व्हाट्सएप जैन जो है फेसबुक सभी को शेयर बटन दिए गए हैं। देन यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर का जो आइकॉन है उस तरीके का रहता है, एंड कमेंट वगैरह डिफॉल्ट रहते हैं। देन नीचे देख सकते हो फुटर सेक्शन, कितना बड़ा फुटर सेक्शन है यहाँ पे, आप कोई भी लाइक हॉट पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट जो भी ट्रेंडिंग आप चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। देन मोस्ट रिसेंट पोस्ट यहाँ पे दिखा देगा, देन लेवल्स दिखा देगा सभी को जो ऊपर, टेक्नोलॉजी पे कौन कौन से है, सोशल न्यूज पे कौन कौन से है। सिंपल किसी भी पेज के जो किसी भी पोस्ट पे क्लिक करोगे, टेक्नोलॉजी जैसे हमने क्लिक किया तो इस तरह ये खुल जाएगा, तो एक बहुत अच्छा इंटरफेस के साथ आता है। इसके साथ साथ इसका लोडिंग स्पीड बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आपको पूरा टेस्ट करके भी दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैं अगर इसको टेस्ट करूँ, कॉपी करूँ एंड गूगल पेज इनसाइड में ओपन करूँ, तो लिंक पेस्ट करके, तो आपको दिख जाएगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका नाम ही है भाई एसईओ न्यूज। तो यहाँ पे देखो हमारा रिपोर्ट आ गया है, यहाँ पे परफॉर्मेंस 81 स्कोर कर रहा है, थोड़ा सा लो आपको बताऊंगा, बट परफॉर्मेंस कुछ लेना देना नहीं है भाई। एसईओ स्कोर देखो यहाँ पे एसईओ 100 आउट ऑफ 100 है, यहाँ पे एसईओ बिल्कुल 100 है। डेस्कटॉप में भी हम ओपन करें एसईओ 100 आउट ऑफ 100 है, बहुत अच्छा जो है एसईओ स्कोर है यहाँ पे। एंड परफॉर्मेंस डेस्कटॉप में 86 है, तो ठीक ठाक जो है परफॉर्मेंस टेस्ट करा। ये जो परफॉर्मेंस है ये इमेज के लिए, इमेज अगर आप वेबपी में अपलोड करोगे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 90 क्रॉस कर देगा ये इजिली। एंड एसईओ स्कोर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 जो है टेम्पलेट में मिल जाते हैं, बहुत अच्छा टेम्पलेट है एसईओ नेक्स्ट नाम का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट करो, बहुत जबरदस्त टेम्पलेट है। देन तीसरा जो हमारा टेम्पलेट है वो है न्यूज टेक मैगजीन के ऊपर। अगर आपको न्यूज टॉपिक में टेक के ऊपर कुछ भी न्यूज लिखना है, टेक पोस्ट लिखना है, रिव्यूज वगैरह लिखने हैं, उसके ऊपर है। यहाँ पे देखो सैलरी, ओके सैलरी जो भी बोलो आपका नाम भाई, ये है इसका टेम्पलेट। इस तरीके का लेआउट आता है, बेसिकली गेमिंग चैनल्स के लिए, गेमिंग ब्लॉग पोस्ट जो लोग लिखते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि गेमिंग बहुत सारे गेमिंग के ऊपर पोस्ट लिखते हैं, आपको पता होगा गेमिंग यूट्यूब चैनल रहते हैं वो लोग पोस्ट लिखते हैं, तो ये जो टेम्पलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप इजीली लिख सकते हो एक तो बेसिक तो नहीं बोलूंगा, एक तो प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आप आपके पास, जिसमें गेमिंग जितने भी बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा नेविगेट करना नहीं आता, बट वो लोग इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस तरीके का आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगा। ये भी टेम्पलेटिफाई के द्वारा बनाया गया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। यहाँ पे फीचर्स की बात करें देखो मेन्यू में सभी कुछ, मेगा मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन सभी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। टॉप मेन्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो एडसेंस का आपको टेंशन नहीं, एडसेंस इजीली अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए टॉप मेन्यू से ये होता है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, ई पेजेस, तो यहाँ पे वो सभी पेजेस आपको डिफॉल्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं इनको। देन साइड बार की बात करें तो देख सकते हो मेन्यू टेक्स्ट वगैरह मिल जाते हैं, आईफोन, सैलरी, फुटर, इस तरीके छोटा सा एक फुटर रहता है, फुटर में भी आपको जो है यहाँ पे फुटर मेन्यूज मिल जाते हैं, तो आपको एडसेंस अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए आपके चैनल पे या फिर जो है आपके ब्लॉग पोस्ट पे जहाँ पे आप जो है गेमिंग के रिलेटेड पोस्ट डाल दो, तो ये टेम्पलेट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट में सभी कुछ फीचर्स ऑलरेडी दे रखा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट का भी सेक्शन दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट आप इजीली इसमें ऐड लगा सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आपका ऐड नहीं चल रहा, अगर आपका ऐड शो नहीं करेगा किसी भी टेम्पलेट पे, आपका अर्निंग नहीं होगा, तो आप ब्लॉग पोस्ट या फिर वेबसाइट चलाओगे कैसे? अर्निंग इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ओके, इसके लिए ही ये टेम्पलेट है सिलेरी नाम से, बहुत अच्छा टेम्पलेट है ये, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको जो टेक ब्लॉग है या फिर आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आपको पोस्ट वगैरह लिखना है जिसमें आपको एक अच्छा गेमिंग कॉन्टेंट चाहिए, गेमिंग के ऊपर आपको, टेक के ऊपर, गेमिंग के ऊपर आपको पोस्ट लिखना है, तो ये जो टेम्पलेट है बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स आते हैं इसमें, इसके साथ साथ सिंपल सा एक अच्छा सा क्रिएटिव इनोवेटिव डिजाइन है। यहाँ पे देखो किसी भी पोस्ट को ओपन करो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे लोडिंग स्पीड आता है, लोडिंग स्पीड तो जबरदस्त आपने
देख ही लिया, बहुत अच्छा टेम्पलेट है भाई, इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, देन जो हमारा फोर्थ टेम्पलेट है वो बेसिकली मैगजीन टेम्पलेट है। अगर आपको एक मैगजीन वेबसाइट बनाना है जिसमें आपको एसईओ का भी ध्यान रखना है, रैंकिंग के भी कोई इफेक्ट नहीं आए एंड इसके साथ साथ मैगजीन लेआउट हो, तो ये जो टेम्पलेट है देखो मैक्सपॉट नाम का, बहुत अच्छा टेम्पलेट है, बहुत सारे लुक्स के साथ है, डिफॉल्ट डार्क आर्टिकल देखो सभी कुछ टेम्पलेट यहाँ पे ये आ जाता है एंड एसईओ के ऊपर एसईओ फ्रेंडली बिल्कुल प्रीमियम डिजाइंस के साथ आता है एंड यहाँ पे स्कोर देखो 94 स्कोर करता है, एसईओ स्पीड 100 आउट ऑफ 100 है एंड यहाँ पे देखो जो है नेटिव फीड सिस्टम यहाँ पे दे रखा है ब्लॉगर का जो डिफॉल्ट रहता है इस तरीके का, देन जो है स्पोर्ट स्प्लिट सभी कुछ फीचर्स यहाँ पे जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। डेमो की बात करें तो देखो यहाँ पे व्यू ऑल डेमो या फिर व्यू डेमो, सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डेमो दिख जाएगा कैसा दिखता है। देखो एक क्रिएटिव एक मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। अगर आपको एक मॉडर्न डिजाइन चाहिए अपने वेबसाइट में, ये मैक्सपॉट वाला टेम्पलेट यूज करो, बहुत मॉडर्न डिजाइन आ जाएगा एंड आप सभी तरीके से पोस्ट लिख सकते हो इसमें। पोस्ट के अंदर भी एड लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, टेक्स्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, देन फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी में आप शेयर्स करने का भी ऑप्शन दे रखा है। देन यहाँ पे जो है ऑथर वाला सेक्शन देखो कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है, राइट, बहुत अच्छे अच्छे लुक्स के साथ आता है ये जो टेम्पलेट है, मैक्सपॉट है इसका नाम। ये बहुत प्रीमियम, अगर आपको लाइक मॉडर्न डिजाइन चाहिए जहाँ पे आप जो है इंस्टाग्राम्स के ऊपर आप पोस्ट लिख रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर पोस्ट लिख रहे हो, मॉडर्न लोगों को टारगेट कर रहे हो, लाइक 24-25 एज वाले को टारगेट, उससे नीचे वाले को एज वाले को टारगेट कर रहे हो, ये जो है टेम्पलेट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैक्सपॉट है इसका नाम, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से जाके चेकआउट कर लो। देन जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टेम्पलेट है ये बेसिकली क्रिएटिव लोगों के लिए है। अगर आपको जो है एक अपना खुद का जो है मान लो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, फिर खुद का बायोग्राफी वेबसाइट बनाना है, खुद के ऊपर कुछ भी आप पोस्ट लिखना चाहते हो, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको एक ब्लॉगर टेम्पलेट चाहिए बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन के साथ, क्योंकि अभी जो है अभी के इसमें मॉडर्न डिजाइन जरूरी है, उसके लिए आपको टेम्पलेट चाहिए। देखो रीरो टेम्पलेट है इसका नाम, बहुत मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। अगर आपको जो है मॉडर्न क्रिएटिव डिजाइन चाहिए तो ये है, इस तरीके का डिजाइन बेसिकली मिलता है एंड फर्स्ट लुक से आपको पता ही चल गया होगा ये जो है बिल्कुल लाइक वर्डप्रेस जैसा दिखता है। यहाँ पे आपको ब्लॉगर का कोई नामोनिशान नहीं मिलता, बहुत वर्डप्रेस डिजाइन रहता है एंड यहाँ पे आपको कोई भी आइडियाज लाइफस्टाइल किसी भी ऊपर के जाओ, देखो कैसे क्रिएटिव लुक के साथ आता है। येलो एंड व्हाइट का डिजाइन इसमें मिक्स किया गया है, बहुत अच्छे लुक्स के साथ आता है। किसी भी जो है यहाँ पे टेम्पलेट को हम क्लिक करें, ब्लॉग पोस्ट को क्लिक करें, देखो इमेज कैसा रहता है, उसके नीचे कैसा रहता है, कोटेशन वगैरह कैसा रहता है, देन यहाँ पे साइड बार में देखो, साइड बार बहुत एक छोटा साइड बार मिल जाता है जहाँ पे आपको जस्ट एडिटर चॉइस वगैरह ये सब मिल जाएंगे। तो आपको लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग अपने खुद के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हो आप, उसके लिए एक टेम्पलेट चाहिए, ये जो है रीरो टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत मॉडर्न डिजाइन के साथ, बहुत क्रिएटिव डिजाइन के साथ आता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे भाई, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे इसका जो है लाइक लुक आता है। किसी भी पोस्ट को क्लिक करो, लोडिंग स्पीड आप देख ही सकते हो, बहुत फास्ट लोडिंग स्पीड यहाँ पे आपको मिलता है एंड लोडिंग स्पीड देखो इंपॉर्टेंट तब आता है जब हम जो है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, तो वहाँ पे लोडिंग स्पीड थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि आप कभी भी लिंक शेयर करोगे, मान लो आपने जो है फेसबुक पे या फिर अपने ब्लॉग पे लिंक शेयर किया, तो वहाँ पे लिंक बंदा क्लिक करेगा, क्लिक करने से खाली खुलना चाहिए, उसको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे आप रैंक नहीं कर रहे किसी भी जगह पे, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग क्या होता है आप उतना ज़्यादा रैंक नहीं करते, बट जो यूजर का एक्सपीरियंस है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो यूजर एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा आएगा, बहुत एक अच्छा जो है आपको यूजर्स का अपने यूजर्स का फीडबैक मिलेंगे। देखो डेमो एडिटर चॉइस साइन इन सभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड इसको अब हम अगर जो है स्क्रॉल डाउन करें तो दिखेगा आपको, देखो सभी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप लिख सकते हो पोस्ट, बहुत एक अच्छा मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है, ये है रीरो ब्लॉगर टेम्पलेट। ओके, तो ये सारे थे प्रोफेशनल ब्लॉगर टेम्पलेट जिनको आप अभी अपने ब्लॉगर में यूज कर सकते हो, मॉडर्न प्रोफेशनल डिजाइन आप ला सकते हो। इसके साथ साथ ये जो टेम्पलेट्स है बिल्कुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टेम्पलेट, आप किसी भी टेम्पलेट को आप यूज करो भाई, रैंकिंग अच्छा खासा आएगा, एसईओ स्पीड 100 आउट ऑफ 100 है। इसके साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा बहुत इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके डालोगे ना ब्लॉग पे, तो आप इजीली टॉप में आ सकते हो गूगल सर्च पे। तो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके जो है टिक चेक करो, उसका नेम वगैरह कॉपी करो, आप सर्च करो कहीं से भी, जो डाउनलोड करो या फिर परचेस करो, आपकी मर्जी है। एंड इसके साथ साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।